बिसम अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे मैं तो बहुत नाराज़ हूँ आप लोगों से आप लोग मेरी वीडियोज़ को ना तो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं तो बस मेरी आपसी काटी होगी पक्के वाली जो कर रहे हैं उनके लिए तो मैं उनसे तो मैं बहुत खुश हूँ जो नहीं कर रहे ना उनसे मैं नाराज़ हूँ सो मेरी नाराज़गी को दूर करने के लिए फ़टाफट पहले जाके वीडियो को लाइक करें उसके बाद आएँ जी बाकी वीडियो देखने के लिए हम लोग आज बच्चों को लेके जा रहे थे जी स्पेशल एक बड़ी फरमाइशी सी प्लेस पे पिछला एक्सपीरियंस मुझे बड़ा ही अच्छी तरह याद था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ इस वजह से ना आज मैं सोचा कि हमने घर का घर से ही लंच बना के साथ लेके जाना है उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी जी चिकन पुलाओ नेताश्ता ने फरमाइश की थी बिरयानी की लेकिन सुबह सुबह उठ के ना बच्चों को नाश्ता देखे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था आज बिरयानी बनाने का तो मैंने सोचा कि मैं इतना वक्त आज बिल्कुल नहीं करनी होता ये आपको नजर आ रही होगी मेरी फुर्तियाँ एक चीज़ उधर गिर रही है एक उधर तो मैंने कहा ना जी आज तो बस सिंपल आप लोग खाएंगे पुलाव पहले मैंने सोचा कि यखनी पुलाव बनाती हूँ फिर मैंने कहा नहीं उसे भी बड़ा टाइम लगेगा और मैंने बस क्विक क्विक काम करना है आ, तो बस मैं यहाँ पे साथ सिंपल सा बस चिकन का पुलाव बना रही थी और साथ मुझे बनाने थे बच्चों के लिए थोड़े से दही बड़े मैंने कहा कि नहीं ये तो ज़्यादी हो जाएगी अगर मैं सिंपल सी बस चटनी या सैलड बना लूँ गैस वाले चूल्हे ना मुझे बहुत मेरी आते बिगाड़ के रख दी है मेरा कुछ भी अब दिल नहीं करता किचन में बनाने को वहाँ पे इतनी जितनी देर में प्याज ब्राउन होते हैं ना उतनी देर में यहाँ पे मेरे चावल दम पे भी लग जाते हैं सो उसको तो समझे मैंने आधा आधा खैर आबाद कह दिया है दही बड़े मैंने फटाफट से बना के रखे आलू बॉईल किए हैं चने यहाँ मैं बॉईल करके फ्रीज कर देती हूँ तो मैं वो यूज़ कर लिए थे अदरक ऐसा अदरक जो मुँह से अदरक निकली जा रहा है क्योंकि अदरक लहसन को रोज़ यूज़ कर करके ना कोई भी रेसिपी हो तो मुँह से अदरक लहसन फटाफट निकल जाता है खैर ये देखें जी चावल दम वाले बड़े मज़े के जो है ना वो मेरे रेडी हो गए थे दही बड़े भी रेडी किए फटाफट से खाना पैक किया और हम लोग ये निकल आए जी बाहर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली हुरैन कहती मामा मेरा फीडर फिर मुझे वापस जाना पड़ा इसका फीडर लाना पड़ा मैडम का इसने कहा कि मैं पोनी नहीं करवाऊंगी मैं बाल खुले लेके जाऊँगी तो मुझे बड़ी ना कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है शहर यहाँ पे आ गए हम लोग और मिस्टर नवीद भी बच्चे भी हम सब जा रहे थे ट्रेन के आने में बस पाँच से छः मिनट्स थे मैंने सोचा कि जाते जाते जो गर्मी है और आती आती सर्दी है तो बस ये एक लास्ट लास्ट हमारी पिकनिक है शायद हम कहीं जाएं मौसम को बेचा हो लेकिन मेरा नहीं ख़्याल क्योंकि यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है और ठंड में तो कहीं निकलना बहुत मुश्किल होता है स्पेशल बच्चों को लेके कर हाँ किसी मौसम अच्छा हुआ तो एक अलग बात है वरना नवीद और मैं यही कह रहे थे कि चलो अब ठंड से पहले पहले बच्चों को न एक और जगह घुमाने ले चलते हैं तो हम लोग जा रहे थे जी पेरिस और કે કે બસ ટ્રેનમે જાતે હોના આપમેસે કિસ કિસકે બચ્ચે કહેતે હે કે इधर મેને બેઠા હે इधर મેને બેઠા હે ય ફાઈટ રમીસ કો આપ દેખ રહે હે તાશા درمیان મે घुसકે બેઠ ગઈ હે હે કોન સમજાય ઇન બચ્ચો કો ફિર અલ્લાહ અલ્લાહ રમીસ કહેતા હે અલ્લાહ સમજાયે તો અલ્લાહ હી અકલ દેગા હદાયત દેગા હદાયત અક્લે સલી नेताशिया ने कहा मैंने बैठना है विंडो वाली साइड पे फाइक ने कहा कि मैंने भी बैठना है विंडो वाली साइड पे फिर मैंने ने कहा कि जाए आगे देखें पूरी ट्रेन का ये डिब्बा खाली है जाए और जाके जिसका जहां दिल करता है वहां बैठ जाए खैर मिस्टर फाइक जाके बैठ गए जी आगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच आए लियोन गागदी लियोन से हम लोगों ने लेना था पहले हमें सोचा कि लेते हैं मेट्रो फिर सोचा कि नहीं मेट्रो ट्रेन कहाँ जा रही है अभी मिशाल के घर जा रही हूँ अच्छा। पार्क में जा रहे हैं पार्क में हाँ, हाँ, थी। <laughs> इतना कोई बात नहीं ना आप भी कुछ सर्दी लग रही है मिस के साथ ना च करने का बहुत ही मज़ा आता है इसके क्यूट क्यूट के क्यूट से जो आंसर होते हैं ना वो इतना हंसा के रख देते हैं और मुझे बहुत ही प्यार आता है ना फिर फिर मैं इसकी छोटी छोटी सी बातें नोट कर लेती हूँ एक तो आप लोग इतना उसको प्यार करते हैं और दूसरा ये कि बच्चों की जो मेमोरीज होती है ना जब बड़े होकर बच्चे अपनी इन को दे, देखेंगे तो बहुत खुश होंगे यहाँ पे जो है ना होने थे ओलंपिक्स और उसकी तैयारियाँ भी जो है वो चल रही थी और बहुत ज्यादा रश था वीकेंड्स पे जो है ना बाहर आप देखें यहाँ पे कितना रश होता है हर बंदा ही बस कहीं ना कहीं आउटिंग पे निकला होता है हमारी तरह कुछ दिनों से वैसे भी ना नवीद बहुत सैड सैड भी थे और बस मेरा दिल करता है कि ना घर के, के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कोई छोटे मोटे ये जो ट्रिप्स हैं इनको अरेंज करना चाहिए बच्चों को लेके बाहर जाऊँ नवीद भी साथ हो थोड़ा सा जहनी दबाव उनका जो है ना वो कम हो थोड़ा से मैंटली वो रिलैक्स हों तो बस इसलिए भी हमें जो न, है ना ये ट्रिप्स करनी पड़ती हैं मौसम जो है ना खुशगवार होना फिर कहीं जाने का मजा आता है ना तो गर्मी में कहीं निकलने को दिल करता है ना ही सर्दी में अभी जो है ना हल्की हल्की सी ठंड हो रही है और धूप भी बहुत मजे की निकली हुई थी साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत ही अच्छा जो है ना मौसम लग रहा था और मैं तो ये देख के हैरान हो रही थी कि यहाँ पे साइकिलिंग हो रही थी और कुछ लड़कियां और लड़के जो है ना ये चला रहे थे वन व्हीलिंग कर रहे थे मुझे तो इतना डर लगता है ना इनको देख के खुदा ना हाथ से ये गिर जाएं खैर इनको तो प्रैक्टिस होती है लेकिन देख के मुझे तो बहुत डर लगता है फाइक कह रहा था कि मुझे तो देख के बहुत मजा आ रहा है मामा इनकी वन व्हीलिंग को उसके बाद जी फाइनली हम लोग तकरीबन तकरीबन यहाँ पे पहुंचने वाले थे एफ टावर के करीब और बस जो है ना ये बिल्कुल एफ टावर के बिल्कुल पास लेके जाती है हम लोगों ने मेट्रो नहीं ली इसीलिए हम लोगों ने ना बस को प्रेफर दिया क्योंकि वीद को फिर ज्यादा चलना नहीं पड़ना था एफएल टावर के पासपोर्ट के ना यहाँ पे इतनी रौनकी होती हैं कि बस पूछे ही ना इतने लोगों ने डिफरेंट स्टार्स लगाए होते हैं ज्वेलरी के इतने मैं कहती हूँ डेली के बेसिस पे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना कि बस पूछे ही ना जब भी जाओ ना एफल टावर पे दिन हो रात हो बहुत रश होता है बहुत ज्यादा वहाँ पे जाके जी बच्चों को मैंने कहा कि आपकी मैं फटाफट से बनाती हूँ पहले पिक्चर्स फिर जो है ना इनकी कंगी पट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं हम लोगों ने फिर लंच भी करना था सुबह का बच्चों ने बस लाइट साज किया था ब्रेकफास्ट और बस कल मैं एक नान लेके आई हुई थी बुलंजरी से तो बच्चों ने सुबह चाय के साथ थोड़ा थोड़ा बस नान खाया था वो भी उन्होंने अच्छे से नहीं खाया था तो मुझे था कि मैं बस ना अभी कहीं बैठे आराम से पहले हम लोग लंच कर लें ताकि थोड़ा सा निवीद रेस्ट भी कर लेंगे जो सफर की थकान है ना वो थोड़ी सी उनकी उतर जाए उसके बाद उठ के ना हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरेंगे मैं तो हैरान यहाँ पे इतने सारे लोग थे कोई यहाँ पे बर्थडे पार्टीज कर रहा था कोई यहाँ पे बार भी क्यों कर रहा था यहाँ पे देखें जी यहाँ पे था जी एक आर्टिस्ट और ये यहाँ बना रहा था फेस ही कैप्चर कर रहा था और इतने नाइस तरीके से इसने ना फेस कैप्चर किया कि बस पूछे ही ना वाटरफॉल इतनी खूबसूरत लग रही थी बहुत ही अच्छी पीछे एफल टावर का मंजर और बहुत अच्छा लग रहा था अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जो रूटीन्स है ना वही सुबह सुबह उठ के नाश्ते बनाओ रोटियां बनाओ मैं कहती हूँ बस सारा दिन बर्तन धो धो के कपड़े धो धो के हम लोग ना आधी रह जाती हैं तो इस भागती दौड़ती रूटीन में ना मैं कहती हूँ पंद्रह बीस दिन में एक दिन तो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए जरूर निकालना चाहिए i oh, am very beautiful <laughs> yes. from where you are sorry which country you belong uh, i leave, uh, was born in russia okay but now we live in London. okay are you pakistan <laughs> yes I think there are people all over the world. Ah yes, but I uh, live here in France. Yes. Yes, wonderful. Yes. आप बताएँ जिस बंदे के हाथ में कितनी नफासत है? What are you feeling after yes. <laughs> seeing your picture? <laughs> उसने ना इस बंदे की तस्वीर जो है क्या ही खूबसूरत कैप्चर की थी इसकी तो उसने शोल्डर पे जो इसने पहना हुआ था कोट वो भी बड़े अच्छे से जो है ना उसने कैप्चर किया खैर उनको देखते देखते नताशा को भी शौक़ हुआ कि मामा मैंने भी जो है ना अपना स्केच बनवाना है यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ था कि अगर थ्री मिनट में पिक्चर बनवाते हैं तो जो कुछ आप मर्जी दे दें अगर आप पंद्रह से बीस मिनट में बनाते तो उसके फिफ्टीन यूरो थे नताशा को मैंने कहा तुम्हारा शौक ही पूरा करना है तो विद इन जो थ्री मिनट्स है वही तस्वीर बनवा लो दो तीन रुपये इसको दे देंगे चल तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा खैर उसने देखे तस्वीर तो निताशा की बस फटाफट फटाफट बनाई और जैसे ही निताशा की बनी देखे दिखा रहे किस का लाग रहा है ये अपना मुद्दे वैसे है हंस लो हंस लो निताशा की तो हँसी ना रुकिया हुई तस्वीर देख के खैर हम लोग फिर आए वापस यहाँ पे नवीद बैठे हुए थे और आ, मैंने उन्हें कहा कि आप बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे मैं थोड़ा सा नंताशा को घुमा फिरा के लाऊं वो यहाँ पे मैं वापस आई तो ये घर से लेके आए हुए थे राइस कबूतरों को डालने के लिए तो यहाँ पे वो देखें जी उनकी सारी कबूतरों की बरादरी इकट्ठी हो गई बहुत अच्छा लगता है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बर्ड्स को फूड डालना और मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है खुरैन मैडम जो है ना वो नाकाम कोशिश कर रही थी कि मैं किसी ना बर्ड को बस पकड़ लू पिजन को मुझे इतना प्यार आया वो कह रही थी डैडी को कि मुझे भी दो मैं भी इनको डालून पिजन है न इतने ज्यादा उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे घर से मैं लेके जाती हूँ मैट जो हम लोग नीचे बिछा के उसके ऊपर बैठ जाते हैं वो हम लेके गए हुए थे और उसके ऊपर हमने भी रखा अपना खाना नवीद के लिए जो है ना मैं ने साथ एक कुशन भी लेके गई हुई थी ताकि वो इजी होके बैठ जाए जब भी हम लोग कहीं दूर जाते हैं ना तो मैं कुछ ना कुछ घर से ऐसा अरेंजमेंट करके जाती हूँ ताकि नवीद जो है ना वो इंजॉय भी करें थोड़ा रिलैक्स भी हो और ये आपको नजर आ रहे होंगे मेरे प्यारे से दो कलौते खीरे भी मैं साथ लेके गई कट के बगैर साथ में छुरी लेगी आज मुझे इतनी बस ना वो क्या थी आलस हुई भी थी ना कोई भी काम करने को मेरा दिल नहीं कह रहा था तो बस ये हाल हुआ था खैर जी उसके बाद हम लोगों ने बैठ के जो है ना अपना किया लंच अलहमद खाना बिल्कुल गरम गरम था और चूंकि मैं हाट पाट में लेके आई हुई थी, थी राइस बहुत ही गरम गरम थे तो बहुत हम लोगों ने इंजॉय किए साथ ये दही बड़े थे और उसके बाद खाना खाने के बाद निविद को मैंने साफ़ करके ब्लैंकेट ऊपर जो है ना वो मैंने हुन का कंबल डाल दिया मैंने कहा आप यहाँ पर धूप के आराम से तो मैं थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर घुमा लूँ उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट मैं कहती हूँ यहाँ पे बातों थी कश्तियां थी लेकिन इनकी प्राइसिस बहुत ज्यादा थी तो सो हम लोगों ने सोचा कि चलो छोड़े बस जो है ना ऐसे ही इंजॉय करते हैं दो साल पहले हम लोग आए थे यहाँ एफिल टावर तब क्या हुआ था कि हम लोगों ने सोचा ऐसे करते हैं कि आज ना बाहर से खाना खाएंगे एफिल टावर के आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे वहां से खाना खाएंगे नवीन ने मुझे कहा कि छोड़ो घर से तुमने क्या बनाना है छोड़ो बाहर जाके खाएंगे हम लोगों ने बस लाइट सा नाश्ता किया था और उसके बाद हम लोग आ गए एफिल टावर वहाँ पे आए चल चल के जो है ना इंसान वैसे ही बहुत थक जाता है प्लस हमारे घर से यहाँ आने में जो है वो डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे हमें आसपास कोई भी रेस्टोरेंट नजर नहीं आया लाइट्स स्नैकिंग जो है ना बस ये चीजें थी वो भी फाइव फाइव सिक्स यूरो का एक खैप और एक जो है ना वो अन्यला वाला खैप ये चीजें फाइव सिक्स सियरों की थी इतना बुरा हुआ मैं और नताशा यहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ के एक रेस्टोरेंट मिला उन्होंने कहा कि वो छः बजे से पहले नहीं खुलेगा उसके बाद एक बांग्लादेशियों का रेस्टोरेंट मिला जी वहाँ पर हम लोग गए हमने सोचा कि यहाँ से पिज़्ज़ा लेते हैं इलेवन एरो का छोटा ही वाला पिज़्ज़ा और वेजिस तो बस नाम की की हुई थी खैर बस निवेद के लिए मैंने एक पिज़्ज़ा वहाँ से लिया तो बच्चों को मैंने कहा कि हम घर जाके आराम से खाएंगे वो वाला ट्रिप हमारा बहुत ही बुरा गुजरा इसलिए जो है ना आज मैं घर से खाना बना के लाई हुई थी ताकि वहाँ जाके सबसे पहले हम लोग खाना एंजॉय करें ये देखें जी लोग यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो एक्टिविटीज कर रहे थे कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था कोई फोटो शूट कर रहा था लोगों ने ना मौसम का खूब सारा जो है ना वो अल, मौसम को एंजॉय किया

एवल टावर में आके ना मुझे ना याद आ रहा था लाहौर का मीनार पाकिस्तान जब मैं छोटी थी ना मेरे भाई लाहौर में जॉब करते थे तो मैं और मेरा दूसरा भाई हम दोनों छुट्टियों में भाई के पास गए और हमने वहाँ पे इतना इन्जॉय किया थ्री फोर डेज़ हम भाई के साथ वहाँ पे रहे और भाई ने वहाँ जो है ना वो रेंट पे घर लिया हुआ था और उनके साथ कुछ लड़के भी वहाँ पे रहते थे जो वहाँ पे जॉब करते थे और दो चार दिन भाई ने हमें इतना घुमाया मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने बचपन की एक एक बात इस तरह याद है वो चीज़ें मैं आज भी याद करती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है इतना अच्छा लगता है ना तो मैं अपने बच्चों के मेमोरीज में भी कुछ अच्छी अच्छी यादें ज़रूर रखना चाहती हूँ ताकि कल को बच्चों के पास अच्छी अच्छी यादें हों कि हमने ये वक्त जो है ना सिर्फ परेशानियों में ही नहीं गुजारा बल्कि हमने इनका बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया है मेरे बच्चों ने भी मैंने भी और हमने इस वक्त को बहुत अच्छे से जो है ना गुज़ारा है मुझे इतना याद है दो तीन दिन हमने भाई से खाना खाया था फिर एक दिन हमने भाई को कहा नहीं आज हमें आप ना घर में कुछ बना के खिलाएं तो भाई ने क्या कहा किया उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ जी राइस उन्होंने साल्ट ऐड किया और साल्ट उन्होंने इतना ज़्यादा ऐड कर दिया जब हम लोग खाना खा रहे थे तो खाना खाया ही ना जाए फिर वो ना भाई के दोस्तों ने कहा कैसे करते हैं साथ हम रायता बनाते हैं विदाउट साल्ट तो फिर हम लोग खाते हैं खैर वो सारी यादें जो है ना मैंने ताशा के साथ शेयर भी कर रही थी कि कैसे ऐसे हम लोग भाई के साथ गए और बहुत मज़ा आया उस वक्त में मुझे लगता है कि बहुत ही बरकत होती थी पुराने वक्तों में और उस वक्त का मुझे लगता है कि आज कुछ भी बना लो कुछ भी खा लो उस तरह से वो टेस्ट ही नहीं आता तब मुझे याद है जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन भाई ने हमें वहाँ पे बाहर एक ढाबा था उन्होंने बाहर बेंच लगाए हुए थे वहाँ से भाई ने हमें दाल खिलाई साथ गर्म गर्म रोटियाँ साथ उन्होंने सैलड था आज तक मुझे वो दाल याद है मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने उससे अच्छी दाल फिर कभी ज़िंदगी में खाई होगी आजकल तो मैं कहती हूँ मसाले भी डालो जो कुछ भी डालो ना लेकिन जो पुरानी चीज़ों के जायके हुआ करते थे ना जो टेस्ट हुआ करते थे वो आजकल की चीज़ों में नहीं है पता नहीं क्यों ऐसे है इवन जब मैं पाकिस्तान गई ना तो मुझे लगता था कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी एक एक चीज़ को याद करके लेकिन वहाँ जाके भी मुझे बस ऐसे हो रहा था कि कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं लग रहा कोई कुछ भी पाकिस्तान में भी हर चीज़ ऐसे लग रहा था ना बस फीकी भी सी है ये शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था खैर वहाँ पे देखें जी कि एक और बना रहा था ये ये फेस कैप्चर कर रहा था और बड़ी नफासत के साथ ये कर रहा था ना खैर हर इंसान को अल्लाह तला ने डिफरेंट डिफरेंट आर्ट जो नवाजा होता है डिफरेंट सलाहियतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी होती हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग जो है ना आए हुए थे और नताशाह अपना पुराना वक्त याद कर रही थी मामा इटली में भी हमें कितना मजा आया करते थे ना हम लोग आ, जितना टाइम वहाँ पे भी ठीक रहे उन्होंने हमें इतना घुमाया फिराया बहुत ही ज्यादा और आ, वो वक्त मैं कहती हूं कि मेरी जिंदगी का बेस्ट बेस्ट टाइम था कहा मैंने कहा ये चाचू खड़ा है मैं इसको हाथ लगा के पूछेगा कि सारे <laughs> कसम से दर्ज मैं सीरियस कह रही हूँ मैंने कहा ये चाचू खड़ा है मैंने कहा ये चाचू खड़ा है मैं इसको पीछे कर लूँ चलो खड़े पीछे क्या हुआ एक बंदा खड़ा था वो बिल्कुल मुझे लगा जैसे स्टैचू है यकीन करें कि मैं उसको टच करके देखने लगी कि ये कैसे स्टैचू खड़ा किया हुआ है एकदम वो मूव हुआ तो मैं तो डर ही गई कि हाई ये तो रियल वाला बंदा है और बिल्कुल उसके खड़े होने का स्टाइल भी ऐसे था जैसे वो वाकई कोई स्टेचू है खैर जी लोग बस अपनी अपनी मस्तियों में यहाँ पे मगन थे कोई तस्वीरें तो खेच रहा था कोई खा पी रहा था और बस एक चीज़ की कमी जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई ना वो अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं थे शायद कहीं हो मुझे ना पता हो लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना पॉइंट ऐसे होने चाहिए कितने की है अब जो तो यहाँ पे कुछ खाने पीने का इतना सिस्टम था ही नहीं जो था वो तो बहुत ही महंगा था इवन एक आइसक्रीम भी यहाँ पे बहुत महंगी थी तो फिर नवीद ने मुझे कहा कि कम से कम हुरैन को तो ज़रूर झूला लेके दो आ, वो हुरैन कहे थे कि मैंने झूला लेना है फाइव किलोमीटर ने कहा छोड़े मामा हम नहीं लेते आप बस को ले दें सो हुरैन गई थी यहाँ पर झूला लेने के लिए और आ, हम लोगों ने फिर यहाँ जो है ना साथ ही यहाँ पे एक बेंच पड़ा हुआ था अनवित को मैंने कहा आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह नवीद इतनी हिम्मत करते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं बल्कि मुझे कभी कभी होता है कि हमें नहीं जाते बाहर तो नवीद मुझे कहते हैं नहीं बच्चों का ये राइट है वो आ, मेरी बीमारी की वजह से पहले ही इतना परेशान रहते हैं तो कोई बात नहीं मैं साथ चलता हूँ कभी वो बेचारे थोड़ी देर बैठ जाते हैं कभी वो उठ के हमारे साथ चलने लग जाते हैं लेकिन अलहमदिल्ला वो हमें पूरी पूरी कंपनी देते हैं अल्लाह ताला बस फटाफट से उन्हें ठीक कर दे और वो पहले की तरह एक हेल्दी लाइफ गुजारे आमीन जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं बीमार हैं अल्लाह सब सबको शिफा दे आमीन अभी जो है ना ये झूले देखे हमें तो इतनी अट्रैक्शन नहीं होती ना लेकिन वाकई बचपन में ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं हम लोग खुद मुझे याद है मीना बाजार लगा करते थे ना हमारे स्कूल्स में तो जाना इतने शौक से पहले अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठी करना जब पता चलना कि मीना बाजार है वो इकट्ठी करना उसके बाद सारा दिन झूले लेना खाना पीना तो मुझे ये चीज़ें याद आती हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ कि वाकई हमारा दिल नहीं करता लेकिन बच्चों का तो दिल करता है ना और कुछ ना कुछ तो बच्चों को फिर ले देना पड़ता है चले जी फ्रांस में जो रहने वाले हैं पेरिस के आसपास जो लोग रह रहे हैं मुझे सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई अच्छी सी प्लेस बच्चों के विजिट के लिए कोई अच्छा सा पार्क जो रीज़नेबल भी हो बच्चों के लिए और आ, मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे रहेगा कमेंट आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार तो ज़रूर मुझे बताइएगा <laughs> निताशा मुझे बता रही थी मामा कैफल टावर को बनने में तकरीबन ट्वेंटी ईयर्स लगे थे और ये सारा जो है ये मेडल का बना हुआ है और इसके अंदर जो है ना लिफ्ट भी लगी हुई है आप ऊपर सेकेंड थर्ड फोर जहाँ तक कि ऊपर जाता है सारे फ्लोर्स पे आप लोग जा सकते हैं लिफ्ट के जरिए लेकिन जब हमने पता किया तो वो एटीन एरो एक पर पर्सन थी बड़े बंदों के लिए अडल्ट के लिए और बच्चों के लिए फोर एरो थी निविद को मैंने कहा कि आप जाए फाइक या नमीज दोनों को साथ ले जाएं और बच्चे जो है ऊपर से देख आएंगे आप जाएं निविद ने कहा नहीं ऐसे मजा नहीं आता क्या दे लोग जाएं आधे लोग ना जाएं फिर मैंने कहा चलो छोड़े बस नीचे से देख लिया ना यही बहुत है ऊपर से जाके तो जाहिर है पूरा पेरिस का ये व्यू नजर आता है लेकिन खैर मुझे लगा कि ये फजूल हर्ची है तो ये नहीं करनी चाहिए थोड़ी देर बच्चे जो है यहाँ पे बैठे और फिर हमने सोचा कि बस जो है ना वापसी के लिए अब तैयारी की जाए बस अब निकला जाए वापसी की तरफ क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो मंडे का दिन था बच्चों ने फिर स्कूल भी जाना था लेकिन फिर भी निकलते निकलते आते आते ना हमें शाम हो गई थी और थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने टैप टैप सेंड ऐप को यूज़ किया है आप लोग मेरे से मेरा कोड पूछ रहे थे मेरा कोड है नताशा एन ए टी एस एच ए आप लोग जहाँ पे भी हैं आपने आ, न, आ, फैमिली मेम्बर्स को पाकिस्तान में यूरोप कंट्री से भेजें जी पैसे और टैप टैप सेंड ऐप को आप यूज़ करें मेरे नाम का कोड यूज़ करें आपको मिलेंगे टेन एरो टेन पाउंड ट्वेंटी डॉलर का बोनस मिलेगा फ्री ऑफ कास्ट है और इसकी सेंडिंग के चार्जेस भी नहीं है मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसका फ्री बोनस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखें जी यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए हुए थे और यहाँ पे देखें ये इंडियन थे और यहाँ पे ये बना रहे थे जी गर्मा गर्म मजेदार से जो है वो सैंडविच बर्गर और साथ हमने देखा कोई बना रहा था यहाँ पे छलियां बेच रहा था कोई कुछ काफी ज्यादा रश था यहाँ पे निविद को मैं कह रही थी मुझे लगता है कि फ्यूचर में ना हमें यहाँ पे छोटा सा एक ढाबा जरूर खोलना चाहिए यहाँ पे मैं चाहूंगी आप सबसे इजाजत अपना और अपने प्यारों का रखिएगा का बहुत सारा ख्याल और मुझे रखी का अपने में याद बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग्स के साथ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो उसको लाइक आपने जरूर करना है चैनल पे पहली दफा आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें अल्लाह हाफिज टेक केयर फी अमानिला